हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहले वाला व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एंड करके अब मैं नया एक व्लॉग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बहुत ही एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत हाइट पे है बट इट्स ओके, मैं कैप्चर कर लूँगा। इस चीज़ का नाम है बग थॉर्न आई गेस, और लोकल लैंग्वेज में इसको चॉक्सलू कहा जाता है। बग थॉर्न इस टाइप का दिखता है। बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर हो चुके हैं, जिसमें कि ये फ्रूट जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है ह्यूमन के लिए। और कहा जाता है कि फ्रूट में कैंसर जैसे बीमारी इजी से लड़ने की काबिलियत है। तो ये बकथॉर्न शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे आई गेस, क्योंकि अभी यहाँ पे सनसेट हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हवा चल रहा है। तो मैं मेरे को थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, बट फिर भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ। जैसे ही सनसेट हो गया तो ये अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वेट अ सेकंड, मैं कैमरा लेंस जो है एक बार चेक करता हूँ। तो अब शायद थोड़ा बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि मैंने कैमरा जो है कैमरा लेंस जो है अच्छे से साफ कर लिया है। और ये बकथॉर्न फ्रूट काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए, क्योंकि ये दवाई की तरह काम करता है और बहुत खतरनाक इनक्यूरेबल डिजीज़ जो है डिजीज़ को ये बीट कर जाता है। और इसके ऊपर काफ़ी बहुत रिसर्चेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपको यही दिखाना चाहता था कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो है हाइट में बहुत बड़ा है। अब आई थिंक कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है वहाँ पे वेट कर रहे थे। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे रुकने का मन कर रहा है, बट जाना पड़ेगा क्योंकि फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ आए हैं। तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास। ओके, और इस टाइम यानी कि सनसेट होने के बाद जो है यहाँ पे ठंड थोड़ा बहुत बढ़ते हुए, और हाजी साहब भी हमें बोल रहे थे, शायद आपने उस वीडियो में देखा होगा, कि एक ज़माने में यहाँ पे 8 से 9 फुट तक बर्फ़ पड़ते थे। और मेरे सामने आपको वो रोड दिख रहा है जहाँ पे कुछ पोल है। ओके, तो वो रोड के इस साइड से जो है काफ़ी बर्फ़ पड़ते थे, और उसकी वजह से रोड से अगर कोई बंदा चल रहा होगा तो उसका सिर्फ टोपी या उसके ऊपर जो एक चोटो जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, खाली वो यहाँ से दिखते थे। ठीक है, तो इस हद तक वहाँ पे बर्फ़ पड़ते थे। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आसपास मेरे होते हुए, बट इनसे बात करना चाहता था लेकिन कोई पास नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। नक्शा जो है यहाँ पे हो चुका है। इससे रिलेटेड भी हाजी साहब ने काफ़ी कुछ बोला। पहले ज़माने में कोई और तरीका जो है वो लोग फॉलो करते थे, जो ये जो पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं वो तरीका जो है काफ़ी टाइम पहले तक इस्तेमाल में लाते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अब जो है सब कुछ मशीन्स के थ्रू हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गया मैं यहाँ पे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मॉम मेरे वहाँ पे है और मैं वे गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अब जा रहा हूँ वापस फिर से उनको लाने के लिए, और काफ़ी लोग वहाँ पे जम हो चुके हैं। चीज़ बजारी में हाँ जैसे न मैं अपनी माजर क्यों शीशा। तो ये सब जो है हमारे रिश्तेदार यहाँ पे हाँ तो कहाँ गए अच्छा मंचला, कह रहे अच्छा मंचला। दिन हम सना को यहाँ पे जरूर लेके आएंगे, क्योंकि इनको जो है खुले में चलना और दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। योशा छे नी है अच्छा मंचला, खुदा हाफिज विशाल बस दुख सिंह पासी से मेहरबान, यहाँ क्यों मुद्दे आओ तू सी चल दूँ। तो चलते हैं, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। टाइम काफ़ी हो चुका है और ठंड बढ़ते जा रहा है और हमें वापस घर के लिए जाना है। तो आई एम श्योर कि ये ब्लॉग जो है आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आगे और एक नई जगह पर जाके एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बने रहिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।